गीत गाने के लिए। देखो माता जी बेचारी तारी बजाए तो नहीं लेकिन बोल रहे हैं दाता नाम महाराज खैर कोई बात नहीं बुजुर्ग लोग हैं तारी बजा रहे हैं वो बड़ी बात मानो ना बड़े बड़े लोग हाथ बजाना चलते रहे दोनों बजाए रहे जो अच्छी बात है। और खैर वहां बोलो माता जी बड़े बुजुर्ग से ज्यादा कुछ कह बोल नहीं चाहिए क्योंकि बड़े बुजुर्ग को हिसाब तो वैसे हो तो छत्तीना लगो तो एक तो ना पहले लगे पुराने तो जिए घूम जाते वो ही चैनल पर के चालू है नहीं तो उन्हें ना मतलब अगर उन्हें कहने बड़े बुजुर्ग की आदत होते है कि अगर उन्हें कहने है तो वे समाज में कह दे चाह 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 कछु हो जाए कह अम्मा सही कह रहे कह रही सही कह दो तो और हम बड़े बुजुर्ग से कहूँ कछु कातना है डर के मारे क्योंकि इनको ज्यादा डर लगता हो तो भगवान की दया से शरीर तो मजबूत डराते ही रखा उसे तो बड़े बुजुर्ग को डर ज्यादा रहता है। शाहजहांपुर जिला में हम भागवत कहने गए शाहजहांपुर जिला में हम भागवत कहने के लिए गए तो फरवरी को महीना रहे फरवरी में भाई महाराज जनवरी और फरवरी के बीच में तो हम कथा कहने को गए बहुत ठंड रहे तो हम कथा कही हमने दूसरे दिन तो अम्मा ने बड़ी बूढ़ी चश्मा लगाए आगे बैठ गई तो हमने कीर्तन बनवाओ तो माता जी हमने कीर्तन बनवाओ माता जी बोली ना पता नहीं माता जी मूर्ख की बात ना बोली नहीं बोली दूसरे दिन हमने फिर बोलवा फिर ना बोली तीसरे दिन बोलवा फिर ना बोली तो हमने मन में सोची बोले हमने वैसे तो माता जी घूमी हो तो फालतू के चक्कर पर लगे लठिया में सुधर है जाते तो हमने फिर कैबो अपन न कर दी हम उनकी वैसे तो माता जी बोल न पाती है बेचारी घूमी हो कैबो तक पीछे पड़ के रह गए होंगे हमने ना कही तो जो मकान में हम रुके रहे बाकी ठीक दूसरे मकान माता जी के घर तो सवेरे सवेरे चौथे दिन रात में रासलीला में प्रोग्राम करो तो सवेरे जैसे जगे तो ये लड़का आते सब चले गए 13-14 संग रात में हमारे नाचत कूदते सब तो वे सब चले गए हम अकेले रह गए क्योंकि ठंड निकटतर है बाहर जल्दी हमको मीठे खाए जाए का फायदा दम तो है ना शरीर ठंड को डर ज्यादा है तो खाओ को डर ठंड अगर लग जाए तो आदमी बेस हो जाए टेड़ो मेरो पे आज मैं निकल के बोलो जो खाओ दे रही हूँ मेरे तो हम अपन लेट जब के सोम लगभग 8:30-9 बजे कमरा में से निकले वो इतना भीषण कोहरा रहा है बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है कोहरा कटो रहा है तो लड़का कोई हटे ना तो भीतर से निकले अपनी लोई सोई ओढ़ के चौखट पकड़ के खड़े हैं चौकट पकड़ के पर अकेले खड़े और हमें ना मानो तो का है मुका जा बड़े तो कोहरा कटे तो माता जी ने हमें देख ना पाओ ना देख पाओ सफेद ही कोहरा रहे हम सफेद ही कपड़ा पहने खड़े होने ना देख पाओ तो बौरी तक नाई के निकली हुई हम जे ठाड़े ऐसी नाई के निकली बेई बात आई और कीर्तन मैं बोलने सोई बोली मौसम बहार है बोलो ये तो बोल लेते हम चंद तक होंगे हमने पूरे दिन कीर्तन बुलवाते तब ना बोलती और इतनी ठंड पड़ रही है हमने कि हम अगर 20-21 साल के नए लड़का हम बने जाते ठंड के बारे बाहर ना निकल रहे और जो स्नान करके निकली 65 साल की कह रही मौसम बाहर है फिर और बड़ी बोली जिया बेकरार है हमने सोची मन में कि सब हमें जाके डोकर मरी है टेंशन में तो बोली आगे बढ़ गई तो हम पीछे चल जाए हमने भी पांडाल में बैठ के बेवकूफ बना दी कीर्तन नहीं बोलती फिर फिल्मी गाना गाए थे हम पीछे पीछे चल रहे होंगे हमने की गाना पूरा सुनिए भोले चाहे आज मारे जाए हमने की मन में तो है हम अब हम पूरा गाना सुनिए पीछे पीछे चल रहे थे तो वे अपने कमरा में घुस गई भीतर और गेट बंद कर दो बाहर ही रह गए हम बाहर ही रह गए खाड़े हम गाँव तो हमने किया अच्छा भोले कछ
कुछ वो सुन रहे हैं तो सुन रहे ही है, घूम के गए तो मिस्त्री लोग मकान जब बनाते हैं तो एक तरी जगह छोड़ देते हैं मकान में, कच हो रहा हुआ है कच काता है तो तू छोड़ो रहे, तो हमने ईंट बाहर खेच दी भाई हुई तब मैं देख लगे। हाँ तो माता जी गीत गाए ना कि मौसम बहार है जिया वे करार है, और अपना हाथ ले ली सर के ऊपर, आजा मेरी जाने तेरे इंतजार। हमने इन्हें सवेरे पांडाल नाम से बात करी है, सवेरे हो पांचों दिन कथा को आए कि फिर बैठ रहे, ये तो रात का भकिया नहीं हम वैसे। हाँ आए बैठी पांडाल हमने कीर्तन फिर बुलवा, हम गुस्सा हमारे हम कड़ी बड़ी भाई जाए, हमने कीर्तन बुलवा के फिर नहीं बोली हमें माता जी उतनी नाती को समझ लेंगे, अपने छोटे नाती को लगवा गोदी बैठा हमें माता जी। आज पांच दिन हो गए हम कीर्तन बुलवा रहे, तुम कीर्तन में बोले नहीं, बोला बोला संजय भाई बात क्या सुना बताइए, अगर कोई कूटन न लगे का नेरे में मोजे पत्थर हम बोला बोला तो उन पे चिल्लाने तो उनको जो बच्चा भी लगा नाती को लेके आए सब रोने लगो। हां बोलो यो तुम नहीं छोड़ो बच्चा रोन लगो कुल देर हो गई भाई रो तो कुल देर हो गई तो हमें गुस्सा आ गया। हमने माता जी उतनी देर से देख रहा हूं ये लड़का बहुत रो रहा है, इसको उठा और पंडाल के बाहर फेंक दो। हाय उन्होंने बोला हुआ तो वहीं बैठा दो, ठाड़ी है नहीं पंडाल, दोनों हाथ ऊपर करे अरे 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 हमारे लहुआ को रोत रोत पांच मिनट ना है भाई, और तू कह रहो पंडाल से बाहर फेंक दे और तू बैठो ऊपर दो घंटा को चिल्ला तो तू कहां फेंक दे। खैर माफ करो माता जी धोखे में निकल गई, ठीक है एक ताली बजा करके बोले उसके बाद